पंजाब के जिला मोगा में इंसानित हुई चकनाचूर। हवस के एक भूखे बेड़िए ने उसे जन्म देने वाली माँ को भी ही नहीं छोड़ा। 15 विषय पीड़िता, थोड़ी सीधी, दिमाग से थोड़ी सुस्त। गांव वालों ने दोषी को लात, घूंसों व चप्पलों से धुनाई कर किया उसे गांव छोड़ने का फरमान जारी। शिकायत आने पर की जाएगी कार्रवाई पुलिस। पंजाब के जिला मोगा में इंसानियत को चकनाचूर करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ हवस के एक भूखे बेड़िए ने उसे जन्म देने वाली कोख को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, जिला मोगा गांव बुट्टर कला के एक 37 वर्षीय युवक ने उसे जन्म देने वाली अपनी 65 वर्षीय माँ को थोड़ी सी सिदरी, दिमाग से थोड़ी सुस्त है, के साथ बलात्कार किया। लेकिन जैसे ही पीड़ित महिला ने यह मामला अपनी बड़ी बहू के ध्यान में दिलाया तो गत दिवस गाँव वालों ने जमकर दोषी की लात, घूंसों व चप्पलों से धुनाई कर उसे गाँव छोड़ने का फरमान जारी किया। पिटाई के दौरान दोषी ने भी जुर्म कबूल किया, क्योंकि दोषी के 4-5 वर्ष तक के 2 छोटे बच्चे हैं। इसलिए नन्हे बच्चों के विषय को ध्यान में रखते हुए गांव वालों ने दोषी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। उधर पुलिस का यह बयान है कि शिकायत आने पर बनती कार्रवाई की जाएगी। सानू 3 दिन पहला पता लगा है ये गल का भी ऐ करके जोड़ा छोटा व्डा भरा वा सरजीत तो उन्हें सानू दसिया क्या भी ऐ करके साढ़े घर क्या माता दे नाल आ काम किया हरमजीत सिंह ने ते असी फिर कल उन्होंने इतने 8:30 बजे बुला के ते उदे नाल इतने पंचायत ने जानी दी जो बनता हैगा सज़ा बनती ही वो देती है। हुण ये गरीब बंदा ही यही कहने भी जो पिंड ने दे तौर पर असी करता वो ठीक किया भी कानू हुण कोई कार्रवाई करनी। किस तरह की सज़ा देगी पंचायत? सज़ा तो ऐं ही असी इतने जो 250 बंदा ही पिंड का चलो जो माड़ी मोटी कुटमार करके तो उन्होंने असी कल समझाता भाई तू पिंड छड़ दे जो पिंड छड़ दू तो वधिया रहूगा ही जे ना छड़ूगा फिर देखी जो की होगा। तो उसकी माँ की स्थिति कैसी है, दिमागी स्थिति कैसी है? दिमागी थोड़ी है, टेंशन में रहती है। तो आपको क्या पता लगा कब से वो अपनी माँ के साथ बलात्कार कर? नहीं, सानू 4 दिन पहले ही पता लग गई है। और जो जिस लड़के ने किया अपनी माँ के साथ उसकी माँ स्थिति कैसी है? वो सही है, ड्राइवर आ गड्डी चलाउंदा वा, 2 बच्चे आ, छोटे छोटे घर वाली उहदे छड्ड के गई भी आ, ते वो बिल्कुल सही है। अभी आपकी क्या मांग? अभी तो यही अही कहने भी चलो बच्चे पाल लू तो आपके बाहर रह के कितना कितने ड्राइवरी करके ही तो यही कहने भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पिंड तौर पर। ऐसा है जी, परसों की बात है, परसों मैं शाम को जब घर में आया तो मेरी बीवी ने बोला भाई जी जब मेरा भाई है माता के साथ ऐसा कर्म करता है तो जाओ। मेरे को पता चला, मैंने साहब पूरी पंचायत को बोला आकर क्या बोलूं। तो मुर्शिद जी, आपको क्या पता लगा कि आपका भाई कब से ये गलत काम अपनी माँ के साथ कर रहा था? मुर्शिद जी, क्या पता लगा आपको कब से वो आपकी माँ के साथ गलत काम कर रहा था? मेरे को जी मेरी बीवी ने बोला भाई 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए ऐसा कर्म करते उसे। तो मैंने जब पंचायत को बोला, पंचायत ने बोला भाई सुबह हम उनसे बात करेंगे, उसको यहाँ बुलाया। फिर उसको बोला पंचायत ने कि तू 8:30 बजे आना, 8:30 बजे वो आया तो पंचायत ने फैसला किया सब। किस तरह का फैसला किया? उसको फिर बहुत मारा जी पंचायत ने, पूरे गांव ने। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई? देखो जी, हम हैं दिहाड़ी धप्पे वाले आदमी, हम नहीं चाहते कुछ भी, हमारी पंचायत ने जो फैसला कर दिया हम मंजूर है बस। तो अभी आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? नहीं जी, हम नहीं कुछ चाहते, हमारी जो पंचायत ने फैसला कर दिया हम बस खुश हैं उससे, ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हो कि जो आपका भाई है वो आपकी माँ के साथ रहे या? नहीं नहीं जी, वो नहीं रहेगा, पंचायत ने बोल दिया तो बस घर से निकल जाएगा। उसके कितने बच्चे? 2 हैं जी। उसकी बीवी कहाँ है? ओ, उसने छोड़ दिया जी, वो अपन चली गई छोड़ के उसको। तो वैसे जो हमारे पास बात आई है कि वो पिछले 8-10 साल से कर रहा था ये? नहीं जी, हमें पता नहीं था इस बात का, हमें तो बीवी ने बोला जब तब हमें पता चला, तभी हमने पंचायत को बोल दिया। तो आपकी माँ की मानसिक स्थिति कैसी है? वो थोड़ा दिमागी हालत ठीक नहीं जी उसकी थोड़ी सी। लेकिन आपके भाई की मानसिक स्थिति ठीक है? हाँ उसकी ठीक है जी, थोड़ा माँ को तो पूछना पड़ता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता अपना। एसएचओ साहब, एक बुट्टर कला गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही माँ का जो है बलात्कार का मामला सामने आया।
सर क्या सारा मामला और पुलिस से क्या कार्रवाई की जाए? देखो जी, ये आपने मेरे को फ़ोन पे बताया था, पर मेरे पास इस संबंध में कोई इतला नहीं है, ना ही मेरे पास कोई इतला लेके आया थाने में। अगर कोई आएगा तो जैसी सूरत होगी वैसे उसके खिलाफ बनती कार्रवाई करी जाएगी। तो सर इसमें ऐसे मामलों में कोई सुबह मोटो भी बनता है पुलिस का? जी, कोई सुबह मोटो भी बनता है पुलिस का? नहीं, अगर कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो हम कार्रवाई करेंगे ना। अब फिलहाल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई।